फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्या उत्थान योजना क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला यही हूं। तो दोस्तों, कन्या उत्थान योजना के लिए दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है और कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है और जिसमें दोस्तों आपको 50,000 रुपये की राशि मिलेगी, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने पर, तो अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया, क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये छात्राएं इसके दोस्तों एलिजिबल रहेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कन्या सुरक्षा के लिए दोस्तों इस योजना को निकाला गया जिसमें सभी बालिकाओं को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 50,000 रुपये की राशि इनको दी जाएगी। तो यहाँ पर देखते ये सशक्तिकरण के लिए प्रयास हमेशा करती रही है सरकार, जो कि बालिकाओं के लिए जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली है, जैसे कि BA BSc BCOM की पढ़ाई करने वाली हैं, ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों सरकार जो बिहार सरकार जो है एक योजना निकाली है, कन्या उत्थान योजना, जिसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब दोस्तों बताया गया है कि इसमें आपको जो है आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए इस योजना में आपका उद्देश्य है पात्रता योजना में आवेदन करने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, यानी कि शुरू से जब तक कि आपकी पढ़ाई रहेगी तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने पर बालिकाएं जो हैं यहाँ पर राशि मिलती है, जिसमें 1.5 करोड़ पढ़ने वाली बालिकाएं जो हैं इसका लाभ उठा सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीज़न में हाई स्कूल में पास होती हैं, ठीक है, सॉरी इंटर स्कूल में, तो फर्स्ट डिवीज़न में जो पास होती हैं उन्हीं लोगों का ये फॉर्म यहाँ पर भर पाएगा, ठीक है, तो वही लोग जो है छात्राएँ जो हैं इसका फॉर्म भर पाएंगी बालिकाएं, ठीक है। तो ये योजना बालिकाओं के लिए है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि बालिकाओं के उच्च शिक्षा के प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जब ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी कन्या प्राप्त करती है तो उसको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और इसके साथ उसको अपनी निजी ज़रूरतों के लिए भी इस योजना के माध्यम से राज्य की बालिकाओं को विकसित होता है और इस उज्जवल और इस इसके द्वारा भविष्य को उज्जवल भी बनाता है, ठीक है। तो ये योजना बेटियों के लिए जो कि ये फ़ायदेमंद साबित होगी बेटियों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर आप जो है अप्लाई कैसे करेंगे और क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के लिए आवेदक जो कन्या का आधार कार्ड होना चाहिए, कन्या के माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, कन्या का पासबुक होना चाहिए खाता, उसके बाद आवेदन करने वाली बालिका जो 10वीं व 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की अगर मार्कशीट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन करने वाली बालिका के उसके माता पिता का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए और आवेदन करने वाली बालिका का एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, इतनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद उसने यहाँ पर बोला है सबसे पहले आपको इस बिहार कल्याण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और जाने के बाद उसमें यहाँ पर होम पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दस्तावेज मिल जाएंगे और यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद उसमें एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, मार्कशीट से प्राप्त किए हुए नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये सामने आपके एक एप्लीकेशन फॉर्म खोलेगा जिसमें आपको कई प्रकार की जानकारी पूछी जाएंगी और जो जानकारी आपसे पूछी गई वो आपको सही प्रकार से दर्ज करना होगा, ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना, जिसके बाद आपका आवेदन कम्प्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों वेबसाइट कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट के लिए दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम आएंगे, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, उसके नीचे आपको मिल जाएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन, तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर 2024 रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर पूरा देगा तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के दिनांक और तारीख निर्धारित की गई है जो कि 15/4/2024 से स्टार्ट होगा और 31/7/2024 ये यहाँ तक चलेगा। उसके बाद उसमें यहाँ पर जो इसके बाद उसमें जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर आपको इस पर अपडेट रहना है, उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको जो है आपको अंतिम डेट इसकी पता चल जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्लिक है टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है।